हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वाले चैप्टर से जो है हम लोग PYQ देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से जो है कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इससे भी पहले वाले जो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट का हो गया है ना, केमिकल काइनेटिक्स का हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर का हो गया, तो वो सारे चैप्टर का भी जो है PYQ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोडेड किया हुआ है, तो जा करके वो भी आप ज़रूर देखना। एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, क्लास 12 केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में सारा आपको जो है ये सब मिल जाएगा, तो जा करके आप जो है ज़रूर चेकआउट करना। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, तो आप ज़रूर जा करके चेक करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से देखते हैं ना कि क्वेश्चन जो है किसके कौन सा क्वेश्चन जो है किस किस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ है, राइट डाउन क्या करना है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, सबका IUPAC नेम जो है लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे देखते हैं कि इसमें ए बी करके दो क्वेश्चन है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए में क्या है कि राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल है ना, NiCO4। ठीक है, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना है। ठीक है, बी में है, ठीक है, वो ए था, अब ये बी है। प्रेडिक्ट द शेप, शेप प्रेडिक्ट करना है मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ इसका। ठीक है, NiNH3 Na4 और इसका जो पावर +2 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है ज़रूर आप इसको सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करना, नहीं बनता है कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे। इसमें भी ए बी करके दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए में क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं पहले। तो ए में है कि इन वाट आ रेस्पेक्ट डज अ डबल साल्ट डिफर फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, फिर है बी में कि राइट IUPAC नेम, इसका IUPAC जो नेम जो है आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2007 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम लिखना है, इसका लिखना है और इसका लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या लिखना है आपको, IUPAC नेम लिखना है, तीनों का IUPAC नेम क्या होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम नीचे वाले कॉम्प्लेक्सेस में जो है दिए हुए हैं ABCD करके, उसमें आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं, करा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम्स, मेटल एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्या होता है इन कॉम्प्लेक्स साल्ट में, यानी इसमें। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है ना सेंट्रल मेटल आयन्स का। ठीक है, जो नीचे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं तो उनमें आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन्स का जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो है इसमें फाइंड आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन्स इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 के है ना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इससे आपको जो है फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन विद द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ये ABC में आपको पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MN इन K2MnO4 में क्या होगा, 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये चार इसको ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आपको पता करना है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो है IUPAC नाम लिखना है तीनों का। ठीक है, तो क्या होगा आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इन CrO42 ठीक है इज, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2014 की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना है ना, क्रोमियम का पता करना है CR का इसमें, ठीक है कि इसमें जो है CR का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड, ठीक है तो इसमें से कौन है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इसके रहे ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग अ लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होता है और हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या होता है, तो इसको डिफाइन आपको करना है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 में पूछ बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये इसके चार ऑप्शन से 4, 5, 6, 7। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम आयंस इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें आपको पता करना है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि कैसा जो है एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है देखो तो 3-4 साल में जो है रिपीट किया है। ठीक है तो ऊपर भी जो हम लोग देख रहे थे तो ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा था, अभी फिर भी आया। ठीक है तो ये देखो ये जो है इसमें जो आपको जो है पता करना है, ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होगा, इसको लिखना है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि राइट यूजिंग IUPAC नेम राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग हेक्सा एमाइन कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है तो इसका जो है आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है फिर लिखना है टेट्रा एक्व डाइक्लो क्लोराइडो है ना क्रोमियम आयन, ठीक है और ये तो इसका भी जो है आपको लिखना है फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें भी सी नंबर में भी है पोटेशियम है ना डाइसाइनो आर्जेंटेट, ठीक है तो इसको भी जो है आपको इसका भी जो है फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ये दोस्तों क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये जो है इसका लिखना है। ठीक है यूज क्या करना है IUPAC नॉर्म्स का है ना, और उसके बाद जो है इसका फॉर्मूला जो है आपको लिखना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी जो है देखना है। तो 20 में भी जो क्वेश्चन था वही इसमें भी उसी टाइप का है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट आगे देखते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इन इसमें क्या होगा, ठीक है और ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन का पता करना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग IUPAC नेम्स, देखो ये बार बार क्वेश्चन फिर आ रहा है। ठीक है तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है देखो आ रहा है ना, यूजिंग IUPAC नेम राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तीनों का लिखना है आपको। ठीक है क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये था दोस्तों हेलो एरिन्स है ना चैप्टर से जो है हमने देखा। ठीक है क्वेश्चन तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है कैसा कैसा पूछा है, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज से क्वेश्चन जो है हमने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसी तरह से जो है अगले चैप्टर से भी आपको दिखाएंगे। ठीक है और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन बारी बारी से सबका करेंगे है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।